years. Today we are going to discuss about percentage composition. Now remember, what is percentage? परसेंटेज हमारी बात होती है अमाउंट ऑफ स्पीशी पर 100 पार्ट्स। जब भी आप किसी एक अमाउंट के 100 पार्ट्स में से किसी गिवन क्वालिटी की वैल्यू बताते हैं तो आप उसे परसेंटेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर केमिस्ट्री में 60 मार्क्स लेते हैं आउट ऑफ 100 तो आप कहते हैं मेरी केमिस्ट्री की जो मार्क्स की परसेंटेज है वो 60 है। अब जब हम केमिस्ट्री में या केमिकल साइंसेस में परसेंटेज की बात करते हैं तो हम नॉर्मली किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं इन अ कंपाउंड। तो केमिस्ट्री टर्मिनोलॉजी में जब आप परसेंटेज कंपोजिशन के मीनिंग ले रहे होते हैं तो हमारे मीनिंग होते हैं अमाउंट ऑफ अ गिवन एलिमेंट प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ अ गिवन कंपाउंड। अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ अ गिवन कंपाउंड। रिमेंबर, एलिमेंट्स नाइट्रोजन मुख्तलिफ कंपाउंड का हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें तो नाइट्रोजन अमोनिया का भी हिस्सा है, अगर आप देखें तो नाइट्रोजन यूरिया का भी हिस्सा है। अगर आप इन दोनों में देखें तो नाइट्रोजन की जो अमाउंट अमोनिया में है नाइट्रोजन की सेम अमाउंट जो है वो यूरिया में नहीं हो सकती। इसके हम कहते हैं अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया विल बी डिफरेंट, अमाउंट ऑफ यूरिया इन नाइट्रोजन विल बी डिफरेंट। तो सेट प्रोड्यूस करते हैं अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ अ गिवन कंपाउंड। जिस कंपाउंड को आप डिस्कस कर रहे होते हैं उसमें आप उसकी परसेंटेज निकालते हैं। अब जब भी हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट इन वन मोल ऑफ कंपाउंड, इन वन मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड दी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, राइट। अब जब भी आप किसी एलिमेंट की परसेंटेजेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करने के लिए आपको दो नेसेसरी काम करने होते हैं। नंबर वन, जिस कंपाउंड का जिक्र हो रहा है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डिटरमिन द मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, डिटरमिन द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इन डिस्कशन। अगर अमोनिया का जिक्र हो रहा है तो आप अमोनिया का मोलर मास निकालेंगे, अगर यूरिया का जिक्र हो रहा है तो आप यूरिया का मोलर मास निकालेंगे। नंबर टू पे आप क्या करेंगे, जब आप मोलर मैसेज निकाल लेते हैं तो फिर आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड स्टेज पे आपके पास क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाय यूजिंग अबव फार्मूला। आप विल फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट बाय यूजिंग अबव फार्मूला। सो अगर आप नाइट्रोजन की परसेंटेज अमोनिया में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलर मास अमोनिया निकालेंगे, दैट इज 1:14 प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है और 3 है 1:3 दैट इज 14 प्लस 3 मींस 17 ग्राम्स। अब अगर आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करना चाहते हैं इन अमोनिया तो नाइट्रोजन देखें अमोनिया में कितना है 14, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ अमोनिया में नाइट्रोजन का मास होता है 14 ओवर मोलर मास इट इज 17 इनटू 100। इस तरह आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1:14 दैट इज 14, 2:1 प्लस 1:12 प्लस 1:16 प्लस 1:14 प्लस 2:1। जब आप सबको सम अप करते हैं तो 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, अब ये भी नाइट्रोजन है और ये भी नाइट्रोजन है, दैट इज 28, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, 4:28 प्लस 4 दैट इज 32 और ये आपके पास ऑक्सीजन है 16। जब आप सारे को सम अप करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 60। अब आप क्या करते हैं, यहां पर परसेंटेज जब निकालना चाहते हैं तो आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 28 ओवर 60 इनटू 100 दैट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया व्हिच कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 82%। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा टॉपिक है बट अक्सर एक एमसीक्यू आपको एग्जाम में मिलती है
which one of the following compound has highest percentage of nitrogen? Yeah, which one of the following compound has lowest percentage of nitrogen? क्या किसी एलिमेंट की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम H3PO4 लिख लेते हैं और हमसे डिमांड की जाती है जी कि परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन H3PO4 विल बी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन फास्फोरिक एसिड विल बी, इस तरह से आप एमसीक्यूज बना लेते हैं। सो परसेंटेज के लिए फार्मूला यही है, आप मतलब ऐसा कि कंपाउंड डालने करते हैं उसके बाद फार्मूला लगा लगा लेते हैं और उस फार्मूला से किसी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं।